मेरे हाथ में कुछ प्रॉब्लम हुआ है जो कि आपने वीडियो में देखा होगा, कट पिट हुआ है, सर्जरी हुआ है। तो जो चीज अपने हाथ में होता है वो करना चाहिए, कंप्लेन नहीं करना चाहिए। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है तमन और आप देख रहे हैं लेजेंड्स बॉडी बिल्डिंग यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से काफी सारे इंटरेस्टिंग अपडेट लेकर आ गया हूँ आप सभी के लिए। उससे पहले एज ऑलवेज चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हम ऐसे ही बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड अपडेट इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते अपनी पहली बड़ी अपडेट की ओर, जो कि आ रही अपने इंडियन आईएफबी प्रो इमरान खान की ओर से। सो दोस्तों, यह ओलंपिया में कम्पीट करने वाले हैं। इन्होंने अपने एक लेटेस्ट फिजिक अपडेट शेयर कर दी है। आप देख ही सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में इमरान खान कैसे लग रहे हैं। दोस्तों, आप इनकी चेस्ट और शोल्डर की सेपरेशन देख सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है, और लैट्स मसल भी काफी ज्यादा ह्यूज लग रहे हैं, और इनका मिड सेक्शन भी काफी ज्यादा टाइट लग रहा है। और दोस्तों, बात की जाए इनकी बैक की, तो आप इनके बैक का अपडेट भी देख सकते हैं। इनकी बैक काफी ज्यादा शार्प और काफी अच्छी कंडीशनिंग में नजर आ रही है, और इनकी बैक की ऑल मसल विजिबल हो रही है। दोस्तों, इनकी बॉडी में काफी ज्यादा डिप्लीटेड लग रही है, जो कि एक प्रोसेस होता है बॉडी बिल्डिंग गेम का। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि इन्होंने लास्ट मुंबई वाले प्रो शो में कम्पीट किया था, वहां पर इन्होंने सेकंड प्लेस सिक्योर की थी। और दोस्तों, अब ये फर्स्ट टाइम कम्पीट करने वाले हैं मिस्टर ओलंपिया में, जो कि लास वेगास में होने वाला है। और दोस्तों, इनका आपकी बार का एम होगा कि ये टॉप 10 में अपनी जगह बनाए। दोस्तों, आप सबको क्या लगता है कि इमरान खान टॉप 10 में आ पाएंगे या नहीं? आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन तो मुझे बता ही सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते अपनी अगली अपडेट की ओर, जो की आ रही है माइकल क्रीजो की ओर से। सो दोस्तों, ये 2 वीक्स आउट है मिस्टर ओलंपिया के लिए। इन्होंने अपना एक लेटेस्ट फिजिक अपडेट शेयर कर दिया है। आप देख ही सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में क्रीजो कैसे लग रहे हैं। आप इनके चेस्ट और शोल्डर देख सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा 3D लुक में नजर आ रहे हैं, और इनके एब्स भी काफी ज्यादा पॉप आउट हो रहे हैं, ओब्लिक्स क्लियर रूप से दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, आप इनके चेस्ट पर वेंस भी देख सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा विजिबल हो रही है। सो दोस्तों, हम आपको बता दें कि फर्स्ट टाइम कम्पीट करने वाले हैं मिस्टर ओलंपिया में बॉडी बिल्डिंग डिवीजन से। सो दोस्तों, आपको इनका छोटा सा फिजिक अपडेट कैसा लगा, नीचे कमेंट में तो चर्चा कर ही सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली अपडेट की ओर, जो की आ रही है मिराकल बियर की ओर से। सो दोस्तों, आई होप कि मैं इनका नाम सही से प्रोनाउंस कर रहा हूं। दोस्तों, अगर मैं इनका नाम सही से प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूं ना, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों, यह कम्पीट करते हैं क्लासिक डिवीजन में। इन्होंने अपने 2 वीक्स आउट का एक लेटेस्ट फिजिक अपडेट शेयर कर दिया है। आप देख ही सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में कैसे लग रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इनकी कंडीशनिंग की, तो इनकी कंडीशनिंग काफी ज्यादा टॉप नॉच लग रही है। इनका स्ट्रक्चर काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा है, चेस्ट एंड शोल्डर ऑन पॉइंट, एब्स काफी ज्यादा पॉप आउट हो रहे हैं, इनके लेग्स की सेपरेशन भी काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है, और आप इनके चेस्ट और शोल्डर में फाइबर भी देख सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा क्लियर रूप से दिखाई दे रहा है। और दोस्तों, बात की जाए इनकी बैक की, तो आप इनकी बैक भी देख सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा वाइड और काफी ज्यादा थिक लग रही है। आप इनकी हैमस्ट्रिंग ऑन पॉइंट, और आप लोग इनके ग्लूट्स पर फाइबर भी नोटिस कर सकते हैं। दोस्तों, इन्होंने लास्ट ईयर के मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट किया था, वहां पर इनकी 4th प्लेस आई थी क्लासिक डिवीजन में। दोस्तों, देखते हैं कि अपनी प्लेसिंग को बेटर कर पाएंगे। आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन तो मुझे बता ही सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते अपनी अगली अपडेट की ओर, जो की आ रही है मिस्टर वर्ल्ड आनंद आर्नोल्ड की ओर से। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि यह मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट करने वाले हैं व्हीलचेयर की कैटेगरी से। दोस्तों, यह 2 वीक्स आउट है मिस्टर ओलंपिया के लिए। इन्होंने एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें कि अपने ये हार्ड ट्रेनिंग करते हुए दिखे हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में कैसे लग रहे हैं। बाकी दोस्तों, मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि आप सबको ना इनको लेकर क्या थॉट्स हैं, नीचे कमेंट में तो चर्चा कर ही सकते हैं। तो इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली अपडेट की ओर, जो की आ रही है नूर खान की ओर से। दोस्तों, नूर खान ना अपने इंस्टा पर एक लेटेस्ट पोस्ट शेयर करते हैं, जिसमें कि अपनी बॉडी की प्रेजेंट टाइम की फिजिक दिखाते हैं, जो कि आप देख ही सकते हैं। दोस्तों, ये ना काफी ज्यादा शेप में लग रहे हैं और काफी अच्छी कंडीशनिंग में नजर आ रहे हैं। इनको देखकर ऐसा लगता है कि ये किसी कंपटीशन की ना प्रेप कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इन्होंने अभी तक अनाउंस नहीं किया है ये कौन से कॉम्पिटिशन में कम्पीट करने वाले हैं। इनकी तरफ से कोई भी अपडेट आएगी तो आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली अपडेट की ओर, जो की आ रही है आप सबके फेवरेट रोहित खत्री की ओर से। दोस्तों, रोहित खत्री की ना काफी समय के बाद अपडेट लेकर आ गया हूं आप सबके लिए। दोस्तों, रोहित खत्री ना प्रेजेंट टाइम में थाईलैंड में एंजॉय कर रहे हैं, और उसका एक पोस्ट शेयर करते हैं, जिसमें कि वे क्लासिक फिजिक की पोजिंग करते हैं। उसके कैप्शन में वे लिखते हैं कि क्या उन्हें क्लासिक फिजिक खेलना चाहिए। दोस्तों, आप सबको क्या लगता है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन तो मुझे बता ही सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली अपडेट की ओर, जो कि आ रही है तरुण गिल की ओर से। दोस्तों, तरुण गिल ना इंस्टाग्राम पर अपने एक फिजिक अपडेट शेयर करते हैं, जिसके ही कैप्शन में लिखते हैं 3 डे आउट। दोस्तों, 3 डे आउट में तो मसल मेनिया शो होने वाला है। दोस्तों, क्या ये मसल मेनिया शो में कम्पीट करने वाले हैं, या ये लोगों का फिर से पागल बना रहे हैं, जैसा कि उन्होंने बिग फिट क्लासिक को लेकर कहा था कि वह पहले मैं फिट करने आऊंगा बिग फिट क्लासिक में, उसके बाद ये आए ही नहीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मसल मेनिया शो में कम्पीट करेंगे, या ये ऐसे ही लोगों का पागल बना रहे हैं? आप लोगों को क्या लगता है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने थॉट्स मुझे बता ही सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते अपनी अगली अपडेट की ओर, जो कि आ रही न्यू आईएफबीबी प्रो सिद्धांत जायसवाल की ओर से। दोस्तों, सिद्धांत जायसवाल कुछ दिन पहले ना सर्जरी कराई है, उसी से रिलेटेड ना उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है, तो चलिए वह देख लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, चीजें अपने हाथ में नहीं होती है। तो जो चीज अपने हाथ में होता है
वो करना चाहिए, कंप्लेन नहीं करना चाहिए। जैसे अभी हाथ में, मेरे हाथ में कुछ प्रॉब्लम हुआ है जो कि आपने वीडियो में देखा होगा, कट पिट हुआ है, सर्जरी हुआ है, बट मैं मोस्टली क्या है सोशल मीडिया पे जो प्रॉब्लम चलता है वो नहीं बताता। मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम आने के बाद भी आप जो चीज़ मैनेज कर सकते हो आपको मैनेज करना चाहिए। जैसे मेरा ट्रेनिंग तो मैं कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि उसमें ट्राइसेप्स इन्वॉल्व होगा, कटा हुआ है वहाँ पर, बट डाइट, कार्डियो, बाकी जो मेरा काम है वो सब चीज़ मैं कर पा रहा हूँ। तो जो चीज़ आपके हाथ में वो चीज़ आप किया करो, बाकी जो चीज़ हाथ में नहीं है वो छोड़ दो। नेवर कंप्लेन, बस अपना काम करते रहिए। थैंक यू। इसके वजह से मैं ट्रेनिंग वीडियो नहीं डाल पा रहा, बाकी जैसे ही हो जाएगा रिकवर फिर पोस्ट करेंगे। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल किसी को नए वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर कंट्रोवर्सी कम और बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड अपडेट देखने को ज्यादा मिलती है। और आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी हम रेगुलर अपडेट डालते रहते हैं। सो दोस्तों मिलते हैं कल किसी को नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय।